MeToo कैंपेन। इन दिनों सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों में इस कैंपेन के बारे में खूब सुना जा रहा है। MeToo कैंपेन महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन है। इंडिया में ये कैंपेन नाना पाटेकर वाले प्रकरण में सामने आया। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मीटू से जुड़ी। नाना पाटेकर के अलावा फिल्म डायरेक्टर विकास बहल, राइटर चेतन भगत, एक्टर रजत कपूर, गायक कैलाश खेर, एक्टर आलोक नाथ का नाम भी मीटू कैंपेन में सामने आ चुका है। इन सब पर लड़कियों ने यौन शोषण, भद्दी टिप्पणी या छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इनके अलावा भी कई और नाम लगातार सामने आ रहे हैं। मीटू ये शब्द 2006 में सबसे पहले सामने आया और 2017 में इसने सोशल मीडिया पर मीटू आंदोलन की शक्ल ले ली। अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता टराना बुरके ने महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2006 में आवाज उठाई थी, जिसके लिए ये नाम दिया था। इसके बाद कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और दिग्गज महिलाएं भी इससे जुड़ी। अब ये कई देशों में फैल चुका है। महिला हिंसा के खिलाफ शुरू हुए मीटू कैंपेन को 2017 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। सीधे तौर पर कोई भी महिला अपने खिलाफ हुई जाति को सोशल मीडिया से इस हैशटैग के साथ जाहिर कर सकती है। वो अपनी पहचान बता या गुप्त भी रख सकती है।